आज मैं लस्सी बना रही हूँ। तो लस्सी के लिए ये हम दही जमा लिए थे, तो इसके जो मलाई पड़े हैं ना, इसको हम निकाल के पहले रख लेंगे। ये हम ऊपर से यूज करेंगे। ये हम मलाई लिए हैं, ये हम सारा दही ले लिए हैं। ये 250 ग्राम के आसपास दही है और शक्कर डाल दे रहे हैं। और पहले इसको हम पूरा विस्कर के साथ इसे हम अच्छे से धीरे धीरे स्मूथ बना लेंगे। हम मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन ये विस्कर से ही हो जाएगा। गर्मियों में जब भी पीना है बहुत आराम से बनाकर ये पी सकते हैं। और इसको ना अच्छे से इस तरह करके, ये देखिए, अच्छा एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया है। और चीनी भी हम घुल गया है अभी। इसको हम, इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है। और अभी हम इसमें जरा भी पानी नहीं डाले हैं। इसमें हम एसेंस के लिए थोड़ा सा हम रोज़ डालेंगे, रोज़ वाटर, या रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। कोई बहुत सारे हलवाई लोग इस रोज़ वाटर को यूज करते हैं। इसे हम डाल दिए और थोड़ा सा हमने ये काजू और बादाम को क्रश किया है, जो हम इसके अंदर इसे डाल देते हैं। ये ना बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये हम इसमें थोड़ा सा ये डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया कि स्मॉल साइज के कप में मैंने इसे ट्रांसफ़र किया, पर ये कप ना ओवरफ्लो हो गया। फिर मैं ग्लास में इसे ट्रांसफ़र करके इसको पूरा, ये जो हम मलाई निकाले थे ना, इसके ऊपर हम डालेंगे। ये सारे मलाई हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मलाईदार लस्सी रेडी है। और इसे फिर से मैं इसे ग्लास में ट्रांसफ़र की और ग्लास में ही पूरा गार्निश की हूँ। हमने सारे लस्सी गिलास में डाल दी हूँ मैंने। इसे हम सभी गिलास में सर्व कर दिए हैं। और अभी हम इसमें ना थोड़े आइस डालेंगे। और इसमें हम जितने ये मलाई रखे हैं ना, ये हम डालेंगे। इसलिए हमने थोड़ा कम ये ग्लास में भरा है, क्योंकि अभी हमें ये मलाई डालना था, तो ये जगह ऊपर की ओर ओवरफ्लो हो जाता, इसलिए हमने कम डाला है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ये काजू बादाम डाल देंगे। ये 2-4 धागे हम केसर के डाल देंगे। और कुछ रोज के हम पेटल्स डाल देंगे। ये हमने कुछ घर के ही रोज थे, उसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था, ये डाल देंगे। ये हमारा लस्सी रेडी है।